गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और कल तो मैं कैसे करके 24 घंटा का यात्रा किया, उसके बाद आपने वीडियो देखा ही, मैं पहुंचा घर पे अपने। ये यहाँ पे है, ऐसे है, और गाड़ियों का जो नंबर है आप अगर ध्यान दें, ये प्योर हिंदी में लिखा हुआ है। यहाँ पे भी लोग वैसे ही हैं, बस थोड़े से चेहरे बदले बदले हैं, बाकी स्वभाव, बात करने का तरीका, लैंग्वेज थोड़ा डिफरेंस है, बाकी तो सब वैसे ही है। और यहाँ के जो कुछ घर हैं ये ऐसे हैं, और यहाँ पे घर काफ़ी कम एरिया में और काफ़ी बिल्डिंगें यहाँ पे, मतलब कि सेकेंड फ्लोर तो यहाँ पे आम बात है, यहाँ की बिल्डिंगें बनना सेकेंड फ्लोर तक तो ले ही जाते हैं। यहाँ के जो घर होते हैं वो काफ़ी कलरफुल होते हैं, मुझे देख के काफ़ी अच्छा लगता है। अब जैसे यही घर देख लीजिए, ऐसे लग रहा है कि कोई होटल है अब, लेकिन ये घर है, यहाँ पर रहते हैं वो अपने लिए, खुद के लिए बनाए हैं। तो ये यहाँ का घर है जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। और उस साइड दूर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा कैमरे में, लेकिन उधर यहाँ से लगभग 2 या 3 किलोमीटर दूर उसके बाद पहाड़ियाँ स्टार्ट हो जाती है। अभी जिस एरिया में मैं हूँ ये प्लेन है, जैसे हम लोग का यूपी का एरिया है प्लेन, यूपी का जैसे बलिया का हिस्सा हो गया, बनारस वगैरह पकड़े, ये सब प्लेन है। और सोनभद्र साइड जाते हैं, जो सोनभद्र का इलाका होता है पहाड़ी वाला, सेम ऐसे पहाड़ियाँ यहाँ पर भी हैं। बस फ़र्क यहाँ पर ये है कि यहाँ की पहाड़ियाँ, जो पहाड़ी इलाका है वो बर्फीला और ठंडा होता है। और यहाँ देखें, यहाँ के छोटे बच्चे साइकिलिंग कर रहे हैं इस समय शाम को। आज 16 नवंबर है, और आप सब जानते हैं कि आज भाई दूज है, और यहाँ नेपाल में भाई दूज एक अलग तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। जैसे कि रक्षाबंधन सेलिब्रेट किया जाता है, ऐसे यहाँ भाई दूज सेलिब्रेट किया जाता है, बहुत अच्छे से धूमधाम से। लड़कियाँ अपने, अगर जिसकी शादी हो गई है वो अपने घर जाती हैं, भाइयों को जैसे राखी बांधती हैं, तो रक्षाबंधन के मतलब जैसे कि राखी बांधते हैं हमारे यहाँ, उसके जगह पे यहाँ पे माला, वो मतलब कि एक दूसरे को माला पहनाते हैं। जैसे जो लड़की है वो लड़के को माला पहनाएगी फूल वाला, और फिर वो जैसे रक्षाबंधन में लड़के गिफ्ट देते हैं बहन को, सेम बाकी प्रोसेस वैसे ही होता है। एक चीज़ मैं शेयर करना भूल गया कि ये जो जगह है, इस जगह का नाम इटहरी है, और जो मैं अभी स्टेडियम आपको जूम करके दिखा रहा था वो यहाँ इटहरी का स्टेडियम है। और ये जो इटहरी है ये धरन के अंतर्गत आता है, जैसे कि हमारे यहाँ वो, जैसे मेरा जो ज़िला है बलिया है और मैं बेलता आउट करने वाला हूँ, तो वैसे ये धरन के अंतर्गत ये इटहरी आता है। ये जो अभी ई रिक्शा गया है यहाँ पे, अभी सामने से जो ई रिक्शा गया, अभी आपने देखा, जैसे हम लोग इसको ई रिक्शा कहते हैं वहाँ पे, और यहाँ पे इसको सिटी रिक्शा कहते हैं। क्या सिटी सवारी? ई रिक्शा अभी बोलते नहीं, नहीं मतलब कि सिटी सवारी भी बोलते हैं ना, सिटी सवारी। ई रिक्शा और सिटी सवारी दोनों बोलते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं ई रिक्शा, लेकिन यहाँ पे सिटी सवारी और ई रिक्शा दोनों बोलते हैं। और आज मैं कहीं काफ़ी दूर नहीं जा रहा हूँ, बस ये जो एरिया है जहाँ पे हम लोग का घर है उसी को, उसी के आसपास इधर उधर घूम रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं। और बीच बीच में ये जो खाली जगह है यहाँ पे भी लोग धान की खेती किए हैं, तो एक मिनट लाइट इधर से अच्छी आ रही होगी, हाँ यहाँ पे भी लोग धान की खेती किए हैं, तो बाकी देख सकते हैं। और हम लोग का घर इस साइड है कुछ दूर पे, और हम लोग बस टहल रहे हैं। और आगे अगर और 100 मीटर जाएंगे इधर इस साइड, तो यहाँ नेपाल का जो हाईवे है वो है। ये जो इधर देख रहे हैं ये पीछे मार्बल है, और यहाँ पे मार्बल का बिजनेस भी अच्छा चलता है। और यहाँ पे आपको, अगर मैं आगे यहाँ पे अगर और रुका, मैं स्टे किया, तो आगे जब मार्केट में इधर उधर घूमने जाएंगे तो वहाँ पे देखने के लिए मिलेगा आपको कि
यहाँ पे इंडियंस काफ़ी हैं, जैसे कि कुछ लोग जैसे कि एक पुश्त पहले से यहाँ आए, मतलब किसी के दादा आए और उनके पोते वगैरह अभी भी यहीं पर हैं और यहीं के निवासी हो गए हैं, मतलब वो अब यहीं की नागरिकता उनको मिल गई, अब वो यहीं के होके रह गए हैं। आपने शायद एक चीज़ वीडियो में नोटिस की या नहीं की, मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जितने भी घर हैं, ये जो एरिया है, पहले ये जो एरिया ये सेमी अर्बन बोल सकते हैं, मतलब कि विलेज और मतलब ये पहले विलेज ही था, अब धीरे धीरे डेवलप्ड होके एक सेमी अर्बन एरिया आप कह सकते हैं, ये सेमी अर्बन एरिया है। और यहाँ पे सारे जो घर हैं, सारे घरों के पास से रोड गई है, ताकि इवन कार तो छोड़ दीजिए, ट्रक भी अगर जाना हो तो वो भी चला जाएगा। और ये चीज़ काफ़ी अच्छा लगा मुझे देख के, कि मतलब जो भी घर वगैरह है इतने अच्छे से बने हैं और रोड पे हैं, सारे के सारे प्लॉटिंग उनका हुआ है, ताकि सबके यहाँ गाड़ी आराम से जा सके। और एक चीज़ यहाँ पे है कि यहाँ पे स्कूटी लोग ज़्यादा चलाते हैं, जैसे एक बंदा लेके जा रहा है, ये जैसे ये पीछे लेके गया, यहाँ पे स्कूटी बहुत यूज करते हैं लोग। और उसके बाद यहाँ पे जो गाड़ियाँ यूज करते हैं, टू व्हीलर वगैरह, फोर व्हीलर तो यहाँ पे लोग उतने शौकीन नहीं हैं, लेकिन टू व्हीलर के शौकीन बहुत ज़्यादा हैं। मैं ये कहूँगा कि यहाँ के जो लोग हैं टू व्हीलर में, मतलब कि आप पल्सर से नीचे गाड़ी देखेंगे ही नहीं, आप ग्लैमर, सुपर और जितने भी 100 cc या 150 cc गाड़ी आती हैं ये भूल जाइए, पल्सर में भी आपको 220 मिलेगी या उससे अबव मिलेगा। मतलब यहाँ पे बाइक के शौकीन बहुत ज़्यादा लोग हैं, और सब लोग एक चीज़ अच्छा है कि यहाँ पे हेलमेट लगाते हैं सारे के सारे लोग। और बाकी और जितना सब मिलता है दिखता है बताता हूँ दिखाता हूँ, क्योंकि मैं भी तो नया ही हूँ इस प्लेस के लिए, तो बस वैसे दिखाते रहते हैं बताते रहते हैं। और जो ये प्लेस खाली दिखाई दे रहा है, पीछे पानी लगा हुआ है, ये किसी ना किसी का होने वाला घर है, वो लोग ज़मीन खरीद के प्लॉटिंग करके छोड़ दिए हैं, जैसे कि अपने यहाँ भी होता है। ये जो बच्चा देख रहे हैं, ये बच्चा बहुत बदमाशी करता है, ये आया था घूमने के लिए कि हम पैदल पैदल नीचे नीचे घूमेंगे, लेकिन अभी पापा के गोदी से मेरे गोदी आ गया है। किसी दो ने तो गिरा देंगे तुमको, जल्दी किसी दो, जल्दी इधर भी, इधर 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 इधर, ढेर सारा किसी दोगे ना, नहीं तो गिरा देंगे। ठीक